शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर कुछ ही देर में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 जनवरी यानी आज तक के लिए विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाने का समय दिया था। वहीं अयोग्यता मामले में फैसले से पहले मंगलवार को शिवसेना उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला देने से पहले स्पीकर का सीएम से मिलना गलत है। पीएम मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ किया। कुछ ही देर में पीएम मोदी गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में बिजनेस इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर की 34 देश शामिल हैं। समिट में मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस ने पिछले 10 सालों में भारत भर में 12 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया। वहीं समिट में गौतम अडानी ने कहा, अडानी समूह गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विचार को पीएम मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। चौदह जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है, लेकिन यात्रा को लेकर मणिपुर सरकार ने अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर के सीएम ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद गंभीर है। राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने पर गहनता से विचार चल रहा है। वहीं 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मणिपुर से मुंबई की यात्रा के लिए न्याय पुस्तिका और एक नंबर जारी किया गया है। एक मिस कॉल देकर समर्थक कांग्रेस के वॉलंटियर बन सकते हैं।